बीमार होने की सूचनाएं लोगों के कुट्टू का आटा खाने की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ी है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और जितने भी लोग बीमार पड़े हैं उन सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रुड़की में फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, कुट्टू का आटा इसकी वजह बताया जा रहा है। रुड़की का ये मामला जहाँ पर फूड पॉइजनिंग की वजह से 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए, शहर से लेकर देहात तक बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की जानकारी है। कुट्टू का आटा खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ी है, तो सिर्फ एक इलाके का ही मामला नहीं है, गांव से लेकर शहर तक 100 से भी ज्यादा लोगों के बीमार होने की जानकारी मिल रही है, जिनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। फूड पॉइजनिंग का शिकार ये लोग हुए हैं और वजह सामने आ रही है कि इन लोगों ने कुट्टू का आटा खाया था, क्योंकि जाहिर तौर पर नवरात्र चल रहे हैं और ऐसे में व्रत के समय पर कुट्टू के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंस शर्मा जुड़ गए संवाददाता इस खबर पर लाइव अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। प्रिंस, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है? बताया जा रहा है कि कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार पड़े हैं। जी बिल्कुल पराग, आपको बता दूं कि पूरा मामला रुड़की क्षेत्र का है। रुड़की क्षेत्र की बात की जाए या आसपास के देहात की बात की जाए, पहला नवरात्रा था तो पहले नवरात्र के दिन लोगों ने देर रात को जब अपना व्रत खोला तो व्रत खोलने के बाद कुट्टू का आटा खाया था। और कुट्टू का आटा खाने के बाद रुड़की क्षेत्र की बात की जाए या आसपास के देहात की क्षेत्र बात की जाए, अब तक तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो सरकारी अस्पताल और जितने आसपास के प्राइवेट अस्पताल हैं उन सब में भर्ती कराए गए हैं, जिनकी हालत बिगड़ी। उन्हें पहले उल्टी की और फिर दस्त की शिकायत शुरू हुई और उसके बाद उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराना शुरू किया गया। सभी लोगों का यही कहना था कि उन्होंने नवरात्रि का व्रत खोलने के लिए कुट्टू का आटा खाया था और कुट्टू का आटा खाने से ही उनकी हालत बिगड़ी थी। उसके बाद जब सुबह सभी वहां पे स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची और पुलिस प्रशासन भी सब पहुंचा, सबने जानकारी ली, उसकी पुलिस प्रशासन दुकानों पे जाकर छापेमारी की और दुकानों से जाकर सभी कुट्टू के आटे को बेचने के लिए प्रतिबंध लगाया गया और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम में आटे के सैंपल भी भरे हैं। वही बात की जाए तो कुछ लोगों को जिनके तबियत में सुधार हुआ है उन्हें उनके घर भेज दिया गया है। और अभी भी बात की जाए तो आसपास के पूरे क्षेत्र की बात करें तो हालिया जो उसके आंकड़े बताए जा रहे तो 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अस्पताल में फिलहाल भी भर्ती हैं। जी पराग, लेकिन प्रिंस आप एक बात बताइए कि गांव से लेकर शहर तक कई इलाकों में इस तरह के मामले सामने आए हैं, तो सब जगह ये गड़बड़ी कैसे हुई है कुट्टू के आटे में? जी पराग, आपको बता दूं कि हालांकि अभी कोई भी इसमें कुछ भी कहने से साफ तौर से बच रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार यहां रुड़की पहुंचे और उन्होंने सभी दुकानों से सैंपल भी लिया है। उनसे जानने की कोशिश की गई है कि इतनी बड़ी चूक आखिर कहां हुई है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी दुकानों से सैंपल भरे जा रहे हैं, सैंपल भरने के बाद ही आगे की पूरी जानकारी मिल पाएगी। लेकिन बात की जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि त्योहारों का सीजन चल रहा है और त्योहारों के सीजन में हालांकि स्वास्थ्य विभाग को ये सारी जितनी भी चेकिंग है जो भी इस तरह का कर रहे हैं वो पहले से करना चाहिए था, दुकानों पे सैंपल लेने चाहिए थे कि इतनी बड़ी चूक हुई है तो चूक कहाँ हुई है इसे देखने वाली बात होगी। लोगों की जान के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है तो कोई एक बड़ा हादसा, अभी तक 100 से लोग ज्यादा लोग बीमार हैं और एडमिट भी हो चुके हैं, तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता है, तो इसका जिम्मेदार आगे कौन होगा देखने वाली बड़ी बात होगी।